हमारे पास में काफी सारा डेटा होता है। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे इंटरनेट पैक वाले डेटा की बात नहीं कर रही हूँ, ये किसी यूजर का डेटा हो सकता है या फिर किसी प्रोडक्ट का डेटा हो सकता है। तो ये जो भी डेटा है, इसे हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर स्टोर करना चाहे या फिर शेयर करना चाहे तो हमें किसी फाइल फॉर्मेट की जरूरत पड़ सकती है। अभी हमारे पास जो भी डेटा है, उस डेटा को वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करना है या फिर उस डेटा को हमें शेयर करना है सिस्टमैटिकली, तो हमारे पास एक फाइल फॉर्मेट है जिसका नाम है JSON, दैट इज JSON। आप लोग इसे JSON भी कह सकते हैं, आप लोग इसे JSON भी कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इसे JSON ही कहेंगे। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि अभी JSON क्या है, व्हाट इज JSON? JSON stands for JavaScript Object Notation। अब इसके नाम में ही JavaScript है, मतलब क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें JavaScript से रिलेट करती है, जैसे array होगा, objects होगा। धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे JSON का syntax कैसे होता है या फिर हम लोग JSON की फाइल कैसे बनाएंगे और हम लोग JSON के डेटा के साथ कैसे डील करेंगे, और भी कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम लोग आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे।